पेरकातू कुंडली लगी होती है। तो देखो मैं यहां पर केवल क्या कर रहा हूं, ऐसा इसी सर पर पत ले रहा हूं जिसमें केवल और केवल कुंडली लगी होती है। तो ये आपके पास क्या हो गई, कॉइल हो गई, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया, इसके बीच में विद्युत वाहक बल VL उत्पन्न हो गया, ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का मैंने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा स्रोत को लगाया हुआ है। अब आपको मालूम है कि जैसे यहां पर धारा का मान कुंडली से बद्ध हो जाएगा तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर E कितने के इक्वल हो जाएगा, माइनस L DI अपॉन DT के मान के बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा, मुख्य धारा या मुख्य वोल्टेज का विरोध करेगा। तो अगर आपको धारा को फिर से प्रवाहित करना है तो V का मान E के मान के बराबर होना चाहिए। तो धारा को लगातार प्रवाहित हेतु E बराबर V के मान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। E कितना हो जाएगा, या इसको आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस L DI अपॉन DT बराबर V के मान के बराबर हो जाएगा। तो L DI अपॉन DT बराबर V नॉट साइन ओमेगा T के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो DI अपॉन DT बराबर V अपॉन L साइन ओमेगा T के मान के बराबर हो गया। तो DI इक्वल टू कितना आ जाएगा, V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा T DT आ जाएगा। धारा का पूरा मान निकालने के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये कितना निकलेगा, I बराबर V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा T का कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो I इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L इक्वल टू कॉस ओमेगा T के मान के बराबर आ जाता है। अब आपको इतना मालूम है कि पूरे के पूरे वोल्टेज का मान साइन के फॉर्म में हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो इसको हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कॉस ओमेगा T साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉस को साइन के क्रम में लिखूं तो मैं इस टर्म को, ये वाले टर्म को I की वैल्यू निकाल रहा हूं, I इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा L विथ नेगेटिव साइन ओमेगा T माइनस, इसको साइन 90 माइनस थीटा आता है, इसका मतलब क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस ओमेगा T ऐसा लिख सकता हूँ। माइनस के लिए हम इसको
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के मान के बराबर आ जाता है। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल अगर डायमेंशनली देखें तो धारा के मान के बराबर हो जाता है, इसलिए I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के मान के बराबर होता है। ये इतना मान हमारे पास आ जाता है, अर्थात धारा वोल्टेज से 90 या पाई बाई टू फेज डिफरेंस पीछे चलती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री फेज डिफरेंस पीछे चलती है। अभी आपको कैसे होता पता लगा, आपने होता देखो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिया है, और जब आपने इसको साइन किया तो I इक्वल टू कितना निकल गया, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के मान के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसके लिए ग्राफ को ड्रा करता हूँ तो ये हो गया आपके पास V, और धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री कैसा होता है, पीछे चलता है, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। ये हो गया I नॉट I, ये हो गया आपके पास V, ये हो गया आपके पास I नॉट, ये हो गया आपके पास V नॉट, ये हो गया आपके पास T बाई फोर, ये हो गया T बाई टू, ये हो गया 3T/4, ये मेरे पास T के मान के बराबर हो जाता है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर V नॉट अपॉन ओमेगा L इक्वल टू I नॉट के मान के बराबर आया है। V नॉट अपॉन ओमेगा L इक्वल टू I नॉट है, इसलिए V नॉट अपॉन I नॉट बराबर ओमेगा L V अपॉन I R के मान के बराबर होता है, इसलिए ये XL हमारे पास ओमेगा L के मान के बराबर होता है, और ये क्या कहलाता है, प्रेरकत्व प्रति घात कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है, अच्छे से नोट कर लीजिए।